महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के छोटा सराफा बाजार में नरसिंह मंदिर के पीछे स्थित मेघनादेश्वर महादेव 84 महादेवों में 23वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय द्वापर और कलयुग की संधि पर मदांध नामक अहंकारी राजा हुआ। उसके पाप से 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। यह देखकर इंद्र आदि देवता क्षीर सागर के उत्तर में श्वेत द्वीप स्थित भगवान जनार्दन के पास गए। स्तुति करने पर भगवान ने पूछा, आप लोग क्यों पधारे हैं और क्या चाहते हैं? तब देवताओं ने अनावृष्टि के कारण हुए संताप को दूर करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, आप महाकाल वन में जाओ और वहाँ प्रतिहारेश्वर के ईशान कोण में एक लिंग है, बादलों ने उसकी स्थापना की थी, उसमें स्थित बादल वृष्टि करने में सक्षम हैं। तब देवता महाकाल वन में आए और उन्होंने इस लिंग की स्तुति की। तब इस लिंग से कई मेघ प्रकट हुए और आकाश में छाकर वृष्टि करने लगे। इसके बाद शीतल वायु बहने लगी, फिर से सृष्टि सुस्थिर हो गई। तब प्रसन्न होकर देवताओं ने इस लिंग का नाम मेघनादेश्वर रखा। इस लिंग के पूजन से वृष्टि होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।